हेलो जी, मैं आंचल बोल रही हूँ। जी आंचल जी, बोलिए। कल से मैं बच्चों को पढ़ाने आ रही हूँ, बस यही बताना था। नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू जया जी, आपने मुझे बता दिया कि मुझे क्या करना चाहिए। बेटा सिद्धार्थ, किसका फोन था? आचल जी का फोन था। वो बच्चों को फिर से पढ़ाने के लिए राजी हो गई हैं। मुझे पता था वो जरूर वापस आएगी। मेरी बात वो कभी टाल नहीं सकती। आपकी बात? आपने आचल जी को फोन किया था पापा? नहीं बेटे, मैं उसे मिलने उसके घर गया था। आप उनके घर क्यों गए थे पापा? तुमने देखा नहीं सिद्धार्थ, आचल के आने से इस घर में कितना बदलाव आ गया है। बच्चे ठीक तरह से पढ़ने लगे हैं, कितना सुधार आ गया है उनमें। हाँ लेकिन आचल जी के, मुझे पता था कि तुम यही कहोगे, इसीलिए तुम्हें बिना बताए मैं वहां चला गया। घबराओ मत, मैंने आचल से यही कहा है कि उनके प्लान्स बिना बदले अगर हमारे बच्चों को थोड़ा समय दे सकती है तो ये एहसान हम पे जरूर करें। वो सब ठीक है पापा, लेकिन आयुष के अपने दोस्तों के साथ झगड़े के बाद मुझे वहां जाना जरूरी लगा। बच्चे उन्हीं की देखरेख में ठीक रह सकते हैं। क्या कह रहे हैं आप? मैं ठीक कह रहा हूं। इनकार करने के बाद भी आचल यूएस जाने के लिए इसलिए तैयार हो गई थी क्योंकि उसने हमारी बातें सुन ली थी। उसे पता लग गया था कि हमने घर गिरवी रख के उसे यूएस भेजा है। उसने अपना फैसला खुशी से नहीं बदला था। हमसे ये बेवकूफी हुई कि उसके रहते हमने घर गिरवी होने की बात की। मेरी ये समझ में नहीं आता कि वो यूएस क्यों नहीं जा रही है। एक चीज के सालों से सपने जो वो देख रही है, आज वो चीज उसे मिलने लगी है तो लेने से इनकार कर रही है। अजीब लड़की है, आखिर वो चाहती क्या है? अब मुझे क्या पता वो क्या चाहती है। समझ में नहीं आता कि वो यहाँ रहकर क्या करेगी, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएगी। मुझे लगता है वो अभी थोड़ी कंफ्यूज है और हो सकता है जब तक उसका कंफ्यूजन दूर ना हो वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती रहे। सच पूछे तो मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। आप जरा उसके साथ बात करके देखिए ना, पता तो चले उसके मन में क्या है। मैं उसे बात करूंगा, पर एक बात का ख्याल रखना कि इस घर में घर गिरवी रखे होने की बात दोबारा ना हो। नहीं होगी। सुनिए जी, हम कर्जा उतार पाएंगे ना? चिंता मत करो, मैं अभी कमजोर नहीं हुआ हूं। ये देखा, टच 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 कर। I hate her. कल से आ रही है। बच्चों पे अपनी हुकूमत जमाने, हमारे सर पे बैठने। अरे आप भी कुछ बोलेंगी? ऐसा लग रहा है आपको बड़ी खुशी हो रही है उसके आने की। अरे मुझे क्यों खुशी होने लगी? अरे भाई आंचल आ रही है कल से। मम्मी जी मैं जा रही हूँ।
क्या बात है, चुप क्यों हो गई मेरी बात सुनकर? अब एक टाइम में एक ही बोलेगा ना, आप बोल रहे हो तो मैं तो चुप रहूंगी। भाई मैं तो बहुत खुश हूं, सारी चिंताएं दूर हो गई मेरी। आंचल आएगी कल से, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चाहे अपना घर बिगड़ जाए, क्या जरूरत थी उस आंचल के घर जाने की? उसका इस घर में आना मतलब परेशानियों का आना। हाँ मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि क्या तकलीफ है तुम लोगों को आंचल से। कितने अच्छे तरीके से वो हमारे बच्चों को संभालती है। मेरा मतलब है मेरे बच्चों को। अब ताना मत दीजिए। क्या आयुष जूही और सचिन मेरे कुछ नहीं लगते? भगवान जानता है मैंने कभी सिद्धार्थ को यह महसूस नहीं होने दिया कि मैं उसकी सौतेली माँ हूं। मैं ये सोच रहा था कि आंचल को इस तरह अपने पगार के बराबर गिफ्ट लाकर बच्चों को नहीं देना चाहिए। उसकी एक यही बात है जिससे हमें आंचल से एतराज हो सकता है। अगर कहो तो आंचल को मैं बता देता हूँ कि आगे चलकर इस तरह से गिफ्ट बच्चों के लिए न लाए। और हाँ एक काम और भी करता हूँ, पहले लाए हुए प्रिंटर के पैसे भी चुका देता हूँ उसे। बोलो क्या कहती हो? जो सपने आपने अपने बच्चों के लिए देखे होंगे ना, कोशिश करूंगी कि मैं वो सारे सपने पूरे कर सकूं। और मेरी इस कोशिश के लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। दी, दी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। किससे बात कर रही थी आप? बात? मैं किससे बात करूंगी? यही तो पूछ रहा हूँ, तुम किससे आशीर्वाद मांग रही थी? बोलो ना दी, किससे बात कर रही थी? किसी से भी नहीं। अच्छा एनीवेज, आप नहीं बताना चाहते तो मत बताओ। मैं कल के लिए आपसे सॉरी बोलने आया था दी। कल मैंने बचपन की बातें जानबूझकर आपसे की ताकि आप अपना यूएस ना जाने का फैसला बदल दो। शायद मैंने आपका बहुत दिल दुखाया, मुझे माफ कर दो। मैं तुझे समझती हूँ मनु, तू भी मुझे समझने की कोशिश कर। नहीं दी, मैं नहीं जानना चाहता कि तुम क्या सोच रही हो। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम जो भी करो सोच समझ कर करो। मैं जो कुछ भी करूँगी सोच समझ कर करूँगी। और अगर मैंने कुछ भी गलत किया ना, तो तू है ना मुझे संभालने के लिए। बस अब तू इस बात पर बिल्कुल नाराज मत होना, मुझे नफरत मत करना कि मैंने तुझसे कोई बात छुपाई है। इस बात का यकीन कर कि मैं कुछ गलत नहीं करूंगी। मुझे यकीन है दी,